हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओ लेवल की इस सीरीज में आज हम M2R4 जो आपका सेकेंड मॉड्यूल है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, अगर अभय एक्सेल कंप्यूटर पर आप नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना है ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहां पर M2R4 इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन एग्जाम का जो ड्यूरेशन है आप सभी जानते हैं, 3 घंटे का आपका पेपर है, 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 100। यहां पर क्या करना है, प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाया था इन सभी के बारे में, रोल नंबर, OMR सीट संख्या, हाँ, आंसर सीट नंबर, यहां पर नेम और यहां पर सिग्नेचर आपको करना होगा। अब आगे देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, IPv6 एड्रेसों का आकार होता है। IPv6 CCC का टॉप लेवल का क्वेश्चन है और यहां पर जो भी क्वेश्चंस हैं वो CCC के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर बहुत सारे क्वेश्चंस अभी मिलेंगे जो CCC में भी पूछे जाते हैं, और IPv6 तो टॉप लेवल क्वेश्चन है, पर डे एग्जाम में पूछा जाता है। तो IPv6 एड्रेसों का आकार होता है, कितना होता है, 32 बिट का, 128 बिट, 64 बिट या 256 बिट्स। IPv6 एड्रेस हैव अ साइज ऑफ 32 बिट्स, 64 बिट्स, 128 बिट्स और 256 बिट्स। इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में क्वेश्चन आते हैं। अगर हिंदी में कहीं कोई त्रुटि मिलती है तो आप इंग्लिश वर्जन में जो लिखा है उसे पढ़िएगा, वो बिल्कुल राइट होगा और वही मान्य होगा, ठीक है ना। इसीलिए इंग्लिश को आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, और सिंपल सी इंग्लिश है, बहुत कठिन नहीं है। तो IPv6 एड्रेस की जो साइज है बताइए कितनी होती है, तो राइट आंसर कितना होगा इसका, 128 बिट्स। कितना होगा, 128 बिट्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि IPv4 एड्रेस का आकार कितना होता है। IPv4, IPv6 और IPv4 है क्या, तो ये आपके इंटरनेट के प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट के प्रोटोकॉल है IPv6 और IPv4। तो IPv4 कितने बिट का होता है, तो उसका राइट आंसर कितना होगा, 32 बिट्स। कितना, 32 बिट्स IPv4, और IPv6 128 बिट का, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, TCP/IP एक डॉट 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 श्रेणीबद्ध प्रोटोकॉल सूट है जो कि OSI मॉडल से पहले विकसित किया गया था। TCP/IP इज अ हेरिकल प्रोटोकॉल सूट डेवलप बिफोर द OSI मॉडल, 7 लेयर्स, 4 लेयर्स, 5 लेयर एंड 3 लेयर। कुल मिला के यहां पर यह पूछा रहा है कि TCP/IP में कितनी लेयर्स होती हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, 7, 5, 4 या 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 लेयर। कितना, 5 लेयर होती हैं इसमें, कितनी होती हैं, 5 लेयर होती हैं। जिनका भी एग्जाम है ओ लेवल का, सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा वीडियो के लास्ट में, और देखूंगा कितने ध्यान से आपने इस वीडियो को देखा है और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो TCP/IP 5 लेयर का होता है। TCP/IP जो है ये आपके इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। क्या होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, तो TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया TCP का फुल फॉर्म, और IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है IP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज अपने ईमेल प्राप्त कर सकता है लेकिन वह अपने ईमेल भेज नहीं सकता है, निम्न में से कौन सा संभवतः उसके लिए समस्या उत्पन्न कर रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख रहा है बड़ा लेकिन है कुछ भी नहीं। राज अपने ईमेल प्राप्त कर रहा है, मीन्स राज के पास अगर कोई ईमेल सेंड करता है तो राज उसको रिसीव कर पा रहा है,
लेकिन जब वह भेजना चाहता है ईमेल तब वह ईमेल को भेज नहीं पा रहा है, तो निम्न में से किसके कारण यह समस्या हो रही है? इंग्लिश में देखिए, तो राज कैन रिसीव हिज ईमेल बट ही कांट सेंड ईमेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली कॉजिंग हिज प्रॉब्लम? बताइए। यहां पर राज की जगह आप अपना नाम भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि मेल भेज नहीं पा रहा है ना, मेल भेज नहीं पा रहा है। तो देखिए ऑप्शंस आपके यहां क्या है, पीओपी 3, आईएमईपी, यूएआरटी एंड एसएमटीपी। तो भैया ये बताइए कि ईमेल भेजने का काम किसका है? तो ईमेल भेजने का काम है एसएमटीपी का, है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये काम किसका है? ईमेल भेजने का, एसएमटीपी का। तो ईमेल नहीं भेजी जा रही है तो इसका मतलब समस्या कौन उत्पन्न कर रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? एसएमटीपी, ठीक है ना, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पीओपी 3 का काम क्या है? तो पीओपी 3 का मतलब है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल का काम है ईमेल को रिसीव करना। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर होगा पीओपी 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे यहां पर है आईएमईपी। तो आईएमईपी क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है आईएमईपी का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो गया? एसएमटीपी। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 बाइट आईपी एड्रेस में शामिल होता है। बताइए 4 बाइट आईपी एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। द 4 बाइट आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस, होस्ट एड्रेस बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा राइट आंसर? देखिए 4 बाइट का मतलब कितना हो गया? 32 बिट हो गया। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 4 बाइट में कितना हो गया? 32 बिट हो गया। तो 32 बिट आईपी एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो 32 बिट आईपी एड्रेस में आपका नेटवर्क एड्रेस और साथ ही साथ होस्ट एड्रेस, ये दोनों शामिल होते हैं, ठीक है ना, नेटवर्क प्लस होस्ट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, ये दोनों इसके सही हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, एसएमटीपी के लिए डिफॉल्ट पोर्ट, मतलब एसएमटीपी के लिए पोर्ट नंबर कौन सा होता है? 21, 25, 23 और 80। द डिफॉल्ट पोर्ट फॉर एसएमटीपी इज, जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25, ठीक है ना, याद रखिएगा 25। अब नेक्स्ट यहां पर 6वां क्वेश्चन है, इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय या सॉरी इस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नियंत्रक या हब होता है, स्टार, रिंग, मेस या बस। इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब, मीन्स जो आपका दिया गया है स्टार, रिंग, मेस या बस, किस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है? देखिए ये सारे क्वेश्चन अभी तक जो भी डिस्कस किया है सब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आ चुके हैं, ट्रिपल सी के टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपके ओ लेवल एग्जाम में मिल रहे हैं। अगर ऐसा पेपर आपका भी आ गया तो काफी सिंपल सा पेपर है, आसानी से आप ओ लेवल को टॉप कर जाओगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज को फॉलो करते रहिए और क्वेश्चन को देखते रहिए और आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो देखिए भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नियंत्रक या हब होता है, ठीक है, स्टार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर संचार प्रौद्योगिकी जो छोटी दूरी में बहुविध कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का रास्ता प्रदान करती है वह है। क्वेश्चन को लेंथी बना दिया, एकदम लंबा सा क्वेश्चन, मतलब कुछ नहीं है। एक कंप्यूटर संचार प्रौद्योगिकी जो छोटी दूरी में बहुविध कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का रास्ता प्रदान करती है ना। इंग्लिश में देखिए तो अ कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स अ वे टू इंटरकनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस इज। ऑप्शन है लैन, मैन, वैन या इनमें से कोई नहीं।
तो भैया एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पोस्ट किया था जहां पर लैंड मैन और वैन के बारे में एक्सप्लेन करके समझाया था, और एक छोटी सी भौगोलिक दूरी में किसका उपयोग होता है, सीधा सा ये पूछा जा रहा है कि छोटी सी दूरी में किसका उपयोग होता है। तो सबसे कम दूरी में किसका होता है, लैन का होता है। अब लैन का फुल फॉर्म क्या है, तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म क्या है, तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है वैन का फुल फॉर्म। मैन का फुल फॉर्म क्या है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, लैन। लैन का उपयोग एक छोटी दूरी में, एक ऑफिस में या एक बिल्डिंग में किया जाता है। मैन का उपयोग कहां होता है, तो मैन का उपयोग किसी एक सिटी में होता है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाता है कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहे नेटवर्क किसके उदाहरण है, तो मैन के उदाहरण है। और जहां पर देशों की बात आए कि एक देश में या दो देशों के बीच में उपयोग हो रहे नेटवर्क किसके उदाहरण है, तो वो आपके वैन के उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क के। आप देखते हैं आठवां क्वेश्चन। एक वेब पेज एक फोटो प्रदर्शित करता है, उस फोटो को प्रदर्शित करने के लिए किस टैग का प्रयोग किया जाता है, पिक्चर, इमेज, आईएमजी या एसआरसी। अ वेब पेज डिस्प्ले अ पिक्चर, व्हाट टैग वाज यूज्ड टू डिस्प्ले दैट पिक्चर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आईएमजी। ठीक है ना, क्या होगा, आईएमजी। आईएमजी टैग का प्रयोग किया जाता है पिक्चर को प्रदर्शित करने के लिए। अब नेक्स्ट, पृष्ठभूमि में रंग शामिल करने के लिए सही HTML क्या है, HTML की कोडिंग यहां पर। ठीक है ना, जल्दी ही HTML की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं जहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, बस एक दो दिन बाद HTML की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो पृष्ठभूमि में रंग शामिल करने के लिए सही HTML क्या है, यहां पर देखिए ओपन है आपका, ये ओपन टैग होता है। ठीक है ना, बॉडी कलर इक्वल double comma yellow double comma close एंड ये आपका क्लोज हो गया। तो यहां पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। देखिए यहां पर ये आपका सही होगा नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं सही होगा, ये भी आपका नहीं सही होगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये जो आपका दिया है ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, बॉडी बैकग्राउंड कलर इक्वल येलो, ठीक है ना, एंड टैग क्लोज, तो ये आपका सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका जो दिया है ये आपका राइट होगा। अब है आपका दसवां क्वेश्चन, एक प्रॉक्सी फायरवॉल में कौन सी लेयर में फिल्टर करती है, मीन्स एक प्रॉक्सी फायरवॉल किस लेयर में फिल्टर का काम करती है, फिजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर, डाटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर। बताइए एक प्रॉक्सी फायरवॉल किस में फिल्टर काम करती है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी, एप्लीकेशन लेयर। एक प्रॉक्सी फायरवॉल आपकी एप्लीकेशन लेयर में फिल्टर का काम करती है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं आपके ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन आपका, मेश टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय है। बताइए मेश टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय है या फिर नहीं, यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है मेश टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है आपका क्लास ए के लिए 255.0.0.0 डिफॉल्ट नेटवर्क मार्क्स है। ठीक है ना, यहां पर भी देख लीजिए 255.0.0.0 इज डिफॉल्ट नेटवर्क मार्क्स फॉर क्लास ए, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है ना, पहला भी आपका ट्रू था और सेकेंड भी आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट है प्रिंटर कई उपयोगकर्ताओं द्वारा लैन में साझा किया जा सकता है, प्रिंटर कैन बी शेयर्ड इन लैन बाय मेनी यूजर्स, तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू है ना। ऊपर के भी तीनों ऑप्शंस क्या हो गए आपके, ट्रू है। नेक्स्ट है पीओपी भविष्य में आने वाला ईमेल सर्वर है, पॉप इज द इनकमिंग ईमेल सर्वर। बताइए
तो ये भी आपका ट्रू है, ठीक है ना। पीओपी थ्री एंड आई एम ए पी इज द इनकमिंग ईमेल सर्वर। पीओपी थ्री मीन्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और आई एम ए पी, ये दोनों भविष्य में आने वाले ईमेल सर्वर हैं। नेक्स्ट है आपका, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, डॉट कॉम शिक्षा डोमेन का प्रतिनिधित्व करता है। डॉट कॉम, बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स। ये भी ट्रिपल सी का टॉप लेवल क्वेश्चन है, डॉट कॉम वाला। तो डॉट कॉम शिक्षा डोमेन का प्रतिनिधित्व करता है, ये फॉल्स है। शिक्षा डोमेन का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो डॉट ईडीयू करता है। कौन करता है, डॉट ईडीयू। डॉट कॉम किसका करता है, तो डॉट कॉम कॉमर्शियल, है ना, बिजनेस के पर्पज से कॉमर्शियल जो होता है, वाणिज्य के क्षेत्र में डॉट कॉम का यूज होता है, याद रखिएगा। तो डॉट ईडीयू एजुकेशन एंड डॉट कॉम कॉमर्शियल या वाणिज्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन, इंटरनेट सेवा प्रदाता वेब होस्टिंग के लिए सेवाएं प्रदान करता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। इंटरनेट सेवा प्रदाता वेब होस्टिंग के लिए सेवाएं प्रदान कराता है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही है। इंटरनेट सेवा प्रदाता मतलब आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेब होस्टिंग के लिए सेवाएं प्रदान करता है, तो यह क्या है आपका, ट्रू है। अब सातवां क्वेश्चन देखते हैं, एएसपी सर्वर की ओर से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, बताइए। जो एएसपी है आपका, यह सर्वर की ओर से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है या फिर नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। एएसपी सर्वर की ओर से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, जबकि एएसपी की जगह पर वहां पर जावा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एचटीएमएल का उपयोग सामान्यतः वेब डिजाइन करने के लिए किया जाता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ट्रू, ठीक है ना। एचटीएमएल का यूज वेब डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एचटीएमएल का उपयोग सिर्फ वेब डिजाइन के लिए किया जाता है। वेब डिजाइनिंग में किया जाता है, लेकिन सिर्फ वेब डिजाइनिंग के लिए ही नहीं होता है, तो यहां पर ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है, टेलनेट प्रोटोकॉल पोर्ट 24 पर कार्य कर रहा है। जो आपका टेलनेट प्रोटोकॉल है उसका पोर्ट नंबर 24 है, मीन्स 24 पर काम करता है, बताइए ट्रू होगा या फॉल्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए टेलनेट, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, ठीक है ना। टेलनेट प्रोटोकॉल पोर्ट 24 पर कार्य नहीं करता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि टेलनेट प्रोटोकॉल किस पोर्ट पर काम करता है, बताइए टेलनेट प्रोटोकॉल किस पोर्ट पर काम करता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो टेलनेट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 23 पर काम करता है। किस पर करता है, तो 23वें पोर्ट पर वो काम करता है। अब यहां पर दिया है, जहां प्राप्तकर्ता की ओर से प्राप्ति की सूचना मिलना बहुत आवश्यक है, वहां यूडीपी का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जहां पर प्राप्तकर्ता की ओर से, है ना, इंग्लिश में अगर देखें तो यूडीपी इज यूज्ड वेयर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर साइड मस्ट बी नीडेड। कुमला के जहां पर विश्वसनीयता की कमी है ना, प्राप्तकर्ता की ओर से प्राप्ति की सूचना मिले कि हाँ मेरे पास ये पहुंच गया है ना। मान लीजिए आप किसी को कुछ भेज रहे हैं, तो भेजने के बाद क्या है कि आप फोन करके पूछें भैया पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा, या फिर जिसके पास पहुंचा है वो बता दे हाँ भैया ये सामान मेरे पास पहुंच गया है। तो क्या है, विश्वसनीयता की कमी है कि जो सेंड हो रहा है वो पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। तो वही यहां पर कहा जा रहा है कि जहां प्राप्तकर्ता की ओर से प्राप्ति की सूचना मिलना बहुत आवश्यक है, वहां यूटीपी का प्रयोग किया जाता है या नहीं, तो ये क्या है आपका, ये फॉल्स है। यूडीपी का प्रयोग वहां होता है जहां विश्वसनीयता की कमी नहीं होती है, जहां पर विश्वास अधिक होता है वहीं पर यूडीपी का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस, आगे जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो हर शाम को 8 बजे आप तैयार रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।